दोस्तों आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि भाई ये बंदा आखिर नंगा क्यों बैठा हुआ है, क्यों मतलब कि ये आज कपड़े नहीं पहन करके वीडियो शूट कर रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ मैंने ऐसा अचीव किया है जो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा और आप भी अपने संकल्प को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा आपको ये मदद करेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरी बात को गौर से सुनिएगा और इस वीडियोज़ को अंत तक देखिएगा। बहुत छोटा ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मुझे जब मैं गोरखपुर में गया था, ठीक है, अपना वो सिल्वर अवार्ड लेने के लिए, तो वहाँ पे मुझे कुछ लड़के मिले थे जो धमकियाँ दे रहे थे कि भाई मैं तुझे जेल भेज दूंगा, मैं ये कर दूंगा। खैर मैं जेल तो नहीं जाऊंगा, बट मैंने पूरा मैं डिमोटिवेट हो गया था, मैं निराश हो गया था, मैं रो रहा था यार, ऐसा बोल सकते हैं, मैं रो रहा था अंदर ही अंदर, है ना। और मैंने ये फैसला किया था कि मैं ये छोड़ने वाला हूँ, मैं यूट्यूब यार क्यों करूँगा, क्यों यार धमकियाँ सुनूंगा, मैं अपना कैटेगरी चेंज करने वाला हूँ। बट उसके साथ साथ आज वो दिन है, आज पूरा मतलब कि 20 अक्टूबर आज का डेट है, आज से कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या, मेरे मुझे लगता है कि 4 साल पहले आज 20 अक्टूबर को ही, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उसके कुछ दिन बाद ही मैंने एक प्रण लिया था, मैंने अपने आप से एक संकल्प लिया था कि मैं जो है शर्ट नहीं पहनूंगा। समझते हैं, शर्ट मतलब कि जो हम पहनते हैं ना, शर्ट बुशर्ट बोलते हैं, शर्ट बोलते हैं, वो मैं नहीं पहनूंगा। और आज मैंने ये रिकॉर्ड बना दिया है कि जब से मेरा चैनल खुला है तब से लेकर के आज के डेट में भी मेरी जितनी भी वीडियोस आपने देखा होगा सब मैंने टी शर्ट में शूट किया है, ना ही कि मैंने कोई वीडियो शर्ट में शूट किया है। दोस्तों ये मैंने क्यों किया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं इसलिए किया कि देखिए, कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कुछ रीज़न होना चाहिए यार, कुछ ना कुछ मकसद होना चाहिए, और वही आपको मोटिवेट करता है और वही आपको आगे लेकर जाता है। ऐसा नहीं कि आपने गोल आज बनाया और आज आपने मतलब उस पर काम करते हैं फिर 2-3 दिन बाद छोड़ देते हैं, महीना दिन बाद उसको छोड़ देते हैं। बट कुछ ऐसा आप प्रण कर लेते हैं, कुछ ऐसा ठान लेते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, मैं किसी भी हालत में मैं ये काम नहीं करूँगा, तो वो उस चीज़ को आप अचीव कर लेंगे और उसको पूरा भी कर लेंगे। ठीक वैसे ही मैंने 20 अक्टूबर के दिन मैंने एक प्रण लिया था अपने आप से कि मैं जो है YouTube पे सफल होकर रहूँगा, YouTube पे मैं कुछ ऐसा लोगों के लिए बताऊँगा, कुछ ऐसा दिखाऊँगा जो लोग मुझे जानेंगे और मुझे प्यार करेंगे। और आपको पता है इतने दिनों के बीच में, आज 4 साल के करीब होने वाले हैं, 4 साल के दिनों के बीच में पता नहीं कितने लोगों की शादी पड़ी मेरे रिश्तेदारों में, मेरे गाँव में, मेरे मोहल्ले में, मतलब कि जहाँ जहाँ से इनवाइट आता था मैं हर जगह गया, बट मैं कभी शर्ट पहन के नहीं गया और ना ही मैंने जो है मतलब अच्छा खासा कपड़े पहन के गया। मेरे देखिए सब कुछ होता है आपके जीवन में, सब कुछ ठीक होता है, शादियाँ हो रही हैं या किसी की मृत्यु हो रही है, हर जगह जाना होता है, हर मतलब रिश्तेदारों को या फिर घर वालों को, है ना, बाहर शहर कहीं घूमने फिरने कहीं भी जाना है, तो सबको मैंने एडजस्ट किया, सबको मैंने ना उस अपने सांचे में उसको ऐसे तरीके से ढाल रखा था ताकि लोग भले ही कुछ बोलें, लोग भले ही बोलते हैं अरे इसके पास कपड़े नहीं है। आप लोग जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, आप में से जो लोग काफ़ी लोग ऐसे हैं जो व्यूअर जो बोलते हैं अरे भाई तेरे पास कपड़े नहीं है, अरे भाई तू एक ही टी शर्ट में बार बार वीडियो बनाता है ना, इस तरीके से कमेंट लोग करते हैं। बट मैं उनकी बातों को परवाह नहीं करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ यार कि उसका जितना सोच है, उसका जितना दिमाग है, वो उतना ही तक सीमित है और उतना ही वो बता सकता है। अब मान लीजिए हमारा जो माइंड है, जितना नॉलेज, जितना एक्सपीरियंस मैंने नॉलेज किया है, उतना ही तो मैं आपको बोल सकता हूँ। ऐसा थोड़ी ना जिस चीज़ के बारे में मुझे पता ही नहीं हो और उस चीज़ के बारे में मैं बता दूँ, कैसे बता सकता हूँ, कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। तो उन कमेंट का मैं बुरा नहीं मानता हूँ, उनको कहना सही है क्योंकि वो उतना ही जानते हैं। वो क्या जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और वो उनको क्या पता है कि मतलब इस तरीके से करने से क्या होगा। बट मुझे पता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को ठान लेते हैं, किसी भी चीज़ को अपना मकसद बना लेते हैं और उसके पीछे जब आप रातों दिन एक करके उसके पीछे जब काम करना शुरू कर देते हैं तो दुनिया में कोई भी माइक का लाल आपको रोक नहीं सकता और आप जो है अपना कदम आगे बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि आपके मंजिल जो है बिल्कुल करीब होती है, और करीब क्या होती है, आप उस मंजिल पर आप बैठे होते हैं, ठीक है। तो आज के डेट में मैं बस यही रिकॉर्ड एक मतलब कायम किया हूँ, मुझे लगता है ऐसा बता नहीं, बहुत भी लोग होंगे नहीं भी। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि आज तक मैंने कोई ऐसा यूट्यूबर को नहीं देखा जो एक ही कपड़ों में या फिर मतलब कि सिर्फ टी शर्ट में ही,
सिर्फ टी शर्ट में ही अपने वीडियो शूट करता हूँ लगातार 4 वर्षों से, सिर्फ टी शर्ट में। ऐसा बंदा तो मैं नहीं जानता, यदि आप मुझे जानते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया है ना, सबसे अलग किया है, कुछ हटके किया है। आप मेरे जो लोगो देखते हैं, जो थंबनेल जो लोगो देखते हैं मेरे चैनल पे, जो लोगो लगा हुआ है वो भी एक माइक लेकर ऐसे मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न है, मैंने दुनिया से कुछ अलग किया। कहने का मतलब है कि सभी लोग तो कुछ करते हैं, बट मैंने सोचा कि क्यों नहीं यार मैं कुछ ऐसा करूँ जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली से काम किया हो। मैं ऐसा थोड़ी नहीं हूँ कि मैं पूरा नंगा खो करके आपको नंगा डांस दिखा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। दोस्तों मैं कभी भी कपड़े पहने हैं, बट मैंने ऊपर का जो सीन होता है, ऊपर का जो कपड़े होते हैं, वो मैंने बिल्कुल टी शर्ट में ही शूट किया। मेरी चैनल्स पे 1000 से ज़्यादा वीडियो हो चुकी हैं, बट हर एक वीडियोज़ में आप जा करके देखेंगे, अभी भी आप जा करके देख सकते हैं कि जो भी मेरी वीडियोज़ होती हैं खास करके टी शर्ट में होती हैं, भले ही वो मैं बाहर शूट कर रहा हूँ या फिर अंदर शूट कर रहा हूँ या फिर मैं कहीं पर भी जा करके शूट कर रहा हूँ, बट वो सारी वीडियो जो है टी शर्ट में होती हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मतलब कि जो मैंने किया है या फिर जिस हिसाब से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है मैंने अच्छा किया है या गलत किया है? और कुछ बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। देखिए आज आप, मैं कोई आइडिया नहीं दूंगा, बस यही चीज़ बताने वाला हूँ कि जो दोस्तों मैंने जो भी आज रिकॉर्ड किया है, जो भी मैंने मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया यार, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मैंने कुछ अचीव किया है यार 4 वर्षों में। क्या कोई इंसान ऐसा होगा? हाँ, आपने ऐसे बहुत इंसान को देखे होंगे जो बिल्कुल नंगे होते हैं या फिर नागा बाबा होते हैं या फिर कुछ ऐसा अलग करते हैं, वो योगी होते हैं या फिर मतलब कोई परमात्मा साधु ऐसा होते हैं जो मतलब इस तरीके से बोलते हैं, बट कोई यूट्यूबर यार इस तरीके से आपने देखा है कि जो कपड़े ना पहनता हो या फिर कपड़े पहनता भी हो तो जिसमें शर्ट ना पहना हो, एक दिन भी शर्ट नहीं पहना हो, क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं समझूंगा कि शायद मैंने कुछ अचीव नहीं किया है। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियोज़ को आप इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्त आज मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने कुछ किया है, आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है, इस वीडियोज़ को आप इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन लोगों को तक पहुँचाइएगा कि अगर मेरा इससे कुछ भला होने वाला होगा तो हो जाएगा, और नहीं होगा तो जैसा चल रहा है वैसा तो चलता ही है और चल ही रहा है, ठीक है। तो 4 साल में मैंने यार ये काम करके पता नहीं अच्छा किया है कि बुरा किया है, अब लोगों को क्या लगेगा इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है और इससे काफ़ी लोग मोटिवेट होंगे। अपने जीवन में यदि कुछ करना चाहते होंगे, कुछ पाना चाहते होंगे, कोई अपना गोल बनाए होंगे, उस गोल को हासिल करने के लिए अगर यदि वो मेहनत कर रहे हैं तो उनके बस एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार अगर ये लड़का जो है एक संकल्प लेकर के ये पूरा कर सकता है इतने सालों, मतलब 4 साल यार कम दिन ही होते हैं, बहुत दिन होते हैं, ठीक है, 1000 से ज़्यादा दिन होते हैं, और उन 1000 दिनों में कैसे कैसे दिन आए, कहाँ कहाँ जाना पड़ा है ना, कैसे कैसे लोगों के पास जाना पड़ा, फिर भी मैं टी शर्ट में गया। आप मेरी वीडियोज पर जाकर के देखेंगे, आप मेरे चैनल पर जाकर के देखेंगे, मैं उन लोगों से भी मिला या फिर कहीं पर भी गया, बट मैंने टी शर्ट में गया, ना कि मैंने शर्ट पहना। मैंने शर्ट नहीं पहना क्योंकि मेरा मकसद, मेरा गोल मुझे पता था, क्लियर था, आगे भी मैं ऐसा ही करता रहूँगा, पता नहीं कितने दिन तक हो पाएगा, जितने दिन तक हो पाएगा मैं करता ही रहूँगा। और आप लोग यार कमेंट मत कीजिएगा कि आप ये टी शर्ट में, एक ही टी शर्ट में बार बार वीडियो शूट क्यों करते हैं। यार इंसान की जो पहचान होती है वो कपड़ों से नहीं होती है, उसके नॉलेज से होती है, उसके एक्सपीरियंस होती है, और ना ही उसके शक्ल से होती है। जी हाँ, उसके शक्ल से भी नहीं होती, उसके नॉलेज और एक्सपीरियंस से ही होती है, जो उसके अंदर है वही चीज़ बाहर अगर निकल रहा है तो उससे पहचान होती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा मेरा वीडियोज़ बुरा लगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं यार ऐसा कुछ तो करने वाला हूँ नहीं, कोई ड्रामा तो दिखाने वाला हूँ नहीं, मुझे जो ठीक लगता है या फिर मुझे लगा कि हाँ यार चलो ये ठीक है वैसा मैंने किया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके सवालों का जवाब शायद मिल गया होगा जो ये जानना चाहते हैं कि भाई एक ही टी शर्ट में आप बार बार वीडियो शूट क्यों करते हो, बस एक ही मकसद था। तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं किसी ऐसे यूट्यूबर को तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा, जो एक ही कपड़े में या फिर मतलब शर्ट ना पहनता हो, कभी भी शर्ट नहीं पहना हो, है ना। अगर ऐसे लोगों को जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं जानते हैं ना तो आज आपसे बस एक चीज़ मांगता हूँ कि इस वीडियोज़ को जितना हो सके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जैसे भी हो सके, ठीक है, आप जो है शेयर कर सकते हैं। मैं इस वीडियोज़ को मतलब कि पब्लिक ही कर रहा हूँ, मतलब क्रिएटिव कॉमन में कर रहा हूँ, है ना, स्टैंडर्ड में नहीं लोड करूँगा। और आप लोग शेयर कीजिएगा यार, प्लीज़ आज मदद कर दीजिए, शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके। थैंक यू।